और खबर सिवनी से सामने आ रही है, जहां कहते हैं अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। ऐसी ही एक अंधी हत्या का खुलासा सिवनी जिले की किंदरई थाना पुलिस ने किया है, जहां शातिर अपराधी लगातार दो खून करने के बाद पुलिस की गिरफ्त से दूर भाग रहा था। जी हाँ, घटना नवंबर 2019 की बताई जा रही है, जहां आरोपी प्रदीप बेलकली नामक लड़की को घर से उठाकर ले गया था, जिसके बाद उसका बलात्कार करने के बाद लड़की की हत्या कर दी थी। तो वहीं लड़की का शव एक गड्ढे में गाड़ दिया था। लड़की के पिता पतिराम ने बताया कि मेरी बेटी को आरोपी प्रदीप घर से उठाकर ले गया था। बताया जाता है कि आरोपी प्रदीप का लड़की के घर आना जाना भी रहता था। तो वहीं पुलिस ने आरोपी प्रदीप के साथ उसके साथी चैन सिंह बरकड़े को भी गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार किंदरई थाना के अंतर्गत ग्राम जामुन पानी का रहने वाला आरोपी प्रदीप को जब पुलिस ने गिरफ्तार करके पूछताछ की, तो आरोपी द्वारा दो मर्डर करने की बात स्वीकारी है। तो वहीं आरोपी द्वारा बताया गया कि पहला मर्डर धन सिंह उइके के बेटे रुकुम उइके का, तो वहीं दूसरा मर्डर ग्राम खुदरी की रहने वाले पतिराम कुंजाम की बेटी बेलकली को गर्भवती करके उसके पश्चात उसका मर्डर करके एक गहरे गड्ढे में गाड़ दिया था। आरोपी की निशानदेही पर जब पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों, फॉरेस्टिंग टीम व मृतक के परिजनों की उपस्थिति में खुदाई करवाई, तो वहीं बंजारी घाट से नर कंकाल बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। लखना गोन मंडला स्टेट हाईवे पर हमको एक शव मिला था, जिसमें हमने 302 का अपराध पंजीबद्ध किया। थाना किंदरई जिला सिवनी अंतर्गत है ये। इसमें हम लगातार इसकी पड़ताल कर रहे थे। श्रीमान SP महोदय सिवनी के द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था, किंदरई टीम को निर्देशित किया गया था विवेचना के लिए। हम लगातार पड़ताल में लगे हुए थे। साइबर टीम और फॉरेंसिक टीम और मुखबिरों की मदद से हमको सफलता हाथ लगी। हमने संदेहों को गिरफ्त में लिया, उनसे सूक्ष्मता से पूछताछ की, जिसमें प्रदीप नामक संदेही ने हमको बताया कि उसका ग्राम खुदरी थाना किंदरई अंतर्गत एक लड़की से प्रेम संबंध हो गए थे, और उस संबंध के दौरान वो गर्भवती हो गई थी। उसका गर्भपात कराने के उद्देश्य से उसने उसको घर से लेके गया, और लेके जाने के बाद उसको नेशनल हाईवे 07 पे ले जाके उसके दोस्त रुकुम के साथ मिलकर मार डाला चाकू से, और उसको दफन कर दिया, वहाँ पे गड़ा दिया। इसके पश्चात वो अपने घर चला गया। इसके बाद वो जब घर चला गया तो ये एक रहस्य बन गया, क्योंकि ये उसने पिछले साल 2019 में ठंड के मौसम में किया था, तो वो पकड़ में नहीं आ रहा था, वो बहुत स्वतंत्र घूम रहा था। इसके अलावा ये जो रुकुम था, उसका साथी जिसने उसका सहयोग किया था लड़की को मारने में, ये उसको ब्लैकमेल करने लगा प्रदीप को, और उससे पैसों की मांग करने लगा। इस चीज से वो विचलित होकर रुकुम उइके की हत्या की योजना उसने बनाई। उसके लिए उसने अपने एक साथी चैन सिंह को सम्मिलित किया इस योजना में, और सम्मिलित करने के बाद दोनों ने मिलकर उसको 14 मार्च 2020 को लखना गोन मंडला हाईवे के किनारे मारकर और उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दिया।